हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस ब्लॉग 123। मैं अभी सो के उठा हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं और गाइस अब मुझे जिम जाना है। तो गाइस मैं अभी 4:30 बज रहे हैं, जिम पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जिम कर रहे हैं। सभी लोग हैं इस समय, जो कि क्योंकि सुबह का है टाइम, तो अभी हम लोग जिम करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे तो आपसे बात करेंगे। गाइस मेरा पूरा वर्कआउट नहीं कर लिया, अब ये मेरे को कटमर टू मिल गया, तो मैं अभी इस तरफ घर चलेंगे। तो गाइस ये मेरा पार्टनर है, ये भी है और ये हमारे भैया हैं जो कि पार्टनर ही हैं इस समय, और ये दूर भाग रहे हैं, उनको शायद शर्म आ रही है। तो गाइस अब हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो चलते हैं अपना इस तरफ। गाइस मैं और सबसे निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं तो आ गया था अपना रनिंग और जिम करके, बट उनको लेके जाना पड़ता है मॉर्निंग वॉक के लिए डेली, सो मैं इसको लेके आ गया। देख सकते हो आप सकती है अपना घूम रहा है। मैं और पति यहाँ पे वॉक करते करते हॉस्पिटल पे आ चुके हैं, सरकारी हॉस्पिटल पे, और पति खूब मज़े से घूम रहा है क्योंकि इसको नया प्लेस मिला है आज। और देखिए आप, इस हॉस्पिटल काफ़ी बड़े एरिया में डिवाइड है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं दवा रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं, इसलिए एक ही ब्लॉक में एडजस्ट नहीं हो सकता है यहाँ का मेडिसिन, और बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं लगभग हर एक चीज़ की। और भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाटर पम्प अभी अच्छा लग सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पुल पे बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप पीछे पानी भरा पड़ा है और ये देखता है। तो मैं चुका हूँ, अभी खुला आया मैं, बट लाने की नहीं है कि मिलती। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, बिकॉज यहाँ पे इसलिए इतना पानी है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आ जाता है, और इस बार बाढ़ आया तो पानी यहाँ से निकल नहीं पाया क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बाउंड्री और घर बन गए, मिट्टी की पटाई हो गई, इसलिए यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और निकल नहीं पाया। We'll be right back.
देखा आपने ऐसा सीन कभी आपको शहर में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि गांव गांव ही होता है, शहर शहर ही होता है। आपको मॉल, फिल्म, हर चीज़ मिलेगी, सिनेमा हॉल मिलेगी, मॉल मिलेगी, शॉपिंग शॉप मिलेगी, बट गांव में जो मिलेगा वो शहर में नहीं मिल सकता आपको। घर आ चुके हैं, मैं बहुत ही थक चुका हूँ क्योंकि जिम किया और रफी को भी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर लेके गया था मैं, और मैं अब रेस्ट करूँगा, फिर आधे घंटे में स्कूल निकलना है। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए स्कूल, और मैंने यूनिफॉर्म भी बुक कर लिया है, और मैं निकलूँगा, मैं अपने बाइक से जाता हूँ। और ये मेरा पीछे है टकला और जसदीन भाई पगला है, और हम लोग को काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में हैं और अपना एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस मेरे पास है बाइक चलाने का, तो मैं कभी आज तक एक्सपीरियंस किया भी नहीं और होगा भी नहीं, आई हो ना हो। तो भाई आप लोग, मैं काफ़ी केयरफुली राइड करता हूँ बाइक, तो एक्सीडेंट का चांस बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही स्पीड में हूँ, 50 की स्पीड, मांग रहा हूँ, मुझे पूछा तक नहीं, अभी को आप लोगों के सामने नाटक कर रहा है, लेगा यही सब है भाई, आप लोग देख लो नाटक, यही सब ऐसे लोग नाटक करते हैं। गाइस हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और मैंने बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है, और अब हम लोग लगभग 5 घंटे स्कूल में रहेंगे, फिर हम लोग घर की ओर जाएंगे। तो गाइस हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, हमारा छुट्टी हो चुका है स्कूल का, हमें लेट हो गया हमें क्योंकि हमारे बाइक का फ्यूल खत्म हो गया था, और मैं पैसा लेना भी भूल गया अपने भाई से, और मुझे अपना फ़ोन वहाँ पे रखना पड़ा, फिर मैं गया अपने स्कूटी से और उसको पैसे दिए तो मेरा मोबाइल मिला, और हमें बहुत परेशानी हो गई,
तो अब हम लोग थोड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। ये हाँ तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और घर आते ही घर वालों ने काम दे दिया ये आटा पिसवाने का और मैं चक्की पे जा रहा हूँ आटा लेने। हाँ तो गाइस ये मेरा फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आया है जो कि सेल्फी स्टिक ट्रिपॉड और स्मार्टफोन स्टैंड XT02 है और इसको मैंने 600 में परचेस किया फ्लिपकार्ट से और मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है तो मैं अकेले ही इसको अनबॉक्स करूँगा। तो गाइस अकेले ही मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा एक हाथ से कैमरा एक हाथ से इसको अनबॉक्स करना पड़ रहा है।